स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के छोटे भाई और उद्योगपति प्रमोद मित्तल को संदिग्ध धोखाधड़ी और अपने अधिकारों का दुरुपयोग के आरोप के चलते हिरासत में लिया गया है। प्रमोद को बुधवार में कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यदि आरोप साबित हो गए तो 45 साल की सजा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लुकावास के उत्तर पूर्वी कस्बे में कोकिंग प्लांट GIKIL के संबंधित धोखाधड़ी का मामला है। प्रमोद 2003 से कोकिंग प्लांट GIKIL संचालित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट में करीब 1000 कर्मचारी काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और अन्य लोगों पर 28 लाख डॉलर यानी कि 29.32 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोद के साथ साथ कंपनी के जनरल मैनेजर परमेश भट्टाचार्य और सुपरवाइजरी बोर्ड के एक अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। बोस्निया के सरकारी वकील केजिम सेर हेटलिक का कहना है कि यदि इस मामले में आरोप साबित हो गए तो 45 साल तक की सजा हो सकती है। सेर हेटलिक का कहना है कि संगठित आपराधिक ग्रुप से संबंधित चौथे व्यक्ति के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल मार्च माह में प्रमोद को उनके बड़े भाई लक्ष्मी मित्तल ने 1600 करोड़ रुपये देकर आपराधिक कार्रवाई से बचाया था। प्रमोद पर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC के 2210 करोड़ रुपए बकाया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।